गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल और नए दिन की नई शुरुआत। आज मैं आप लोगों के साथ आज का मेरा दिन जो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी। आज ना मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल। कढ़ी वो वाली कढ़ी मैं बोल रही हूँ जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल की जो कढ़ी होती है ना, वो वाली कढ़ी मैं बनाना चाहती हूँ। मैंने, मुझे लगता है सिर्फ एक बार मैंने वो कढ़ी बनाई थी और आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी अच्छी हुई थी, लेकिन आज ना मैं फिर से ट्राई करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा वीडियोस जो है ना मैंने जाके देखे हैं और कैसे बनती है एंड एवरीथिंग आई हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो देखते हैं अगर मैं अच्छे से बना सकती हूँ या नहीं। सो ये था मेरा ब्रेकफास्ट, स्पेशल मिक्स्ड गोवन भाजी और उसके साथ गोवा का ब्रेड जिसे हम पाव कहते हैं और उसके साथ है मिर्ची। बहुत ही यम्मी वाला ब्रेकफास्ट था। सारी तैयारी जो मैंने की है, प्याज, लहसुन, अदरक, इसमें से थोड़ा अदरक मैं पकौड़ा जो बनाऊंगी उसमें भी डालूंगी, थोड़ी सी मिर्ची और ये थोड़ी मिर्ची पकौड़े के लिए। और ये है मेरा रोशु बेबी जो आपको बोल रहा है हेलो। और यहाँ पे मैं कढ़ी की तैयारी में लग गई थी तो यहाँ पे मेरे पास दही था जो मैंने इस बर्तन में डाला था और मैं दही से एक कढ़ी बना रही थी। और दही डालने के बाद इसमें मैंने डाला थोड़ा सा बेसन और बेसन डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी मैंने डाली और दही, बेसन और हल्दी को अच्छे से मैंने मिला के ले लिया बिना पानी डाले। और अच्छे से मिलाने के बाद ही यहाँ पे मैंने पानी डाला है और मैंने ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा एक कंसिस्टेंसी का ये जो है ना ये मिक्सचर हो चुका है। तो ये रेडी था यहाँ पर। और जैसे तेल गरम हो गया ना, इसमें मैंने साबुत जो धनिया होता है ना उसे दरदरा बस ऐसे कूट के डाला था, थोड़ा सा ज़ीरा डाला और बस थोड़ी सी ना मेथी डाली, फिर मैंने डाला थोड़ा सा हींग और फिर सारे चीज़ों को अच्छे से मैंने ना थोड़ा सा फ्राई करके लिया। और फिर इसमें मैंने डाला ये प्याज जो मैंने लंबे कट करके लिए थे। और प्याज को ना ज़्यादा भुनना नहीं है, बस हल्का हल्का ही भुनना है। और जैसे ही प्याज अच्छे से भुन चुका था उसमें मैंने डाला ये बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन और उसके साथ ये हरी मिर्च। और अब इन सारे चीज़ों को ना अच्छे से मुझे जो है वो सॉटे करके लेना था। तो यहाँ पे मैंने वही किया और यहाँ पे मैंने डाली सूखी लाल मिर्च और फिर सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाया, अच्छे से फ्राई किया। और थोड़ा सा ना यहाँ पे मैंने पानी डाला ताकि उसका टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा लो हो जाए। और फिर मैंने इसमें डाली हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि ऐसे करने से ना लाल मिर्च और हल्दी जो है ना वो जलते नहीं हैं। और फिर इसमें मैंने डाला ये मिक्सचर जो मैंने बना के रखा हुआ था। और जैसे ही मिक्सचर डालते हैं ना तो गैस की जो फ्लेम है वो थोड़ी सी लो पे रखनी है और फिर इसे ना कंटिन्यूसली स्टर करना है जब तक इसमें ये पहला बॉयल ना आ जाए। और यहाँ पे मैंने जो है ना पकोड़े की पूरी तैयारी की थी, इसमें मैंने डाला था बेसन बारीक कटा हुआ, प्याज, हरी मिर्च, अदरक बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और सारी चीज़ें डाल के ना थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। और फिर इन सारी चीज़ों को ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था और यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ धनिया भी डाला। हाँ, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके
अब इनका जो है ना, मैं छोटी छोटी जो है वो पकौड़ियाँ बना के लूँगी। और इसमें मैं पानी डाला है। एक्चुअली जो हम अनियन के पकोड़े बनाते हैं ना, उसमें पानी नहीं डालते, लेकिन इसमें मैंने डाला है क्योंकि ये मुझे ज़्यादा जो है ना क्रिस्प नहीं चाहिए, मुझे थोड़े सॉफ्ट वाले पकोड़े चाहिए। तो जैसे कढ़ी में अच्छा सा बॉयल आया ना, इसमें मैंने डाला नमक और फिर मैंने ये पकौड़ियाँ जो है ना वो मैंने तल के ले ली। और जब तक ये पकौड़ियाँ मैं तल रही थी ना, तब तक ये कढ़ी भी जो है वो अच्छे से बॉयल होके ना बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी और बहुत स्मूथ कंसिस्टेंसी में हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े जो है ना वो डाल दिए थे कढ़ी में, और बाजू में मैंने राइस भी यहाँ पे रख दिया था। और फिर मैंने घी को अच्छे से गरम करके उसमें थोड़ा सा जो है लाल मिर्च का पाउडर डाल के ना इसको बस ऐसे ऊपर से तड़का लगा लिया। और फिर सारा जब तड़का जो है ना वो अच्छे से मैंने मिला लिया कढ़ी में, और फिर मैंने डाला ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस यमी यमी कढ़ी रेडी हो गई। और मैं सच बता रही हूँ, इस बार मेरी कढ़ी 100% बहुत टेस्टी हो गई थी। सो ये है कढ़ी जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई। फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम मैं कह सकती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बनाई थी उतना अप टू द मार्क नहीं बनी थी, लेकिन आज मुझे लगता है मेरी कढ़ी अप टू द मार्क बनी है, क्योंकि काफ़ी क्रीमी बनी है, काफ़ी अच्छी बनी है और काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब इसको मैं सर्व करूँगी राइस के साथ। और जब भी ऐसा क्रेविंग होता है ना कुछ खाने का, खुद को भी, तो बस बना लेना चाहिए। तो अभी मैंने रखा है चावल के लिए। चावल जैसे ही बन जाएंगे हम लंच कर लेंगे, क्योंकि आज हमारे घर में होने वाला है पेस्ट कंट्रोल। तो मुझे सारे जितनी चीज़ें हैं ना किचन में वो सारी मुझे ले जाके रखनी है अंदर, और फिर मैं रोशन को लेके जाऊंगी मेरे मम्मी के घर, और फिर स्वप्निल यहाँ पे रह के पूरा जो है वो पेस्ट कंट्रोल कर लेगा। वैसे तो हम जो पेस्ट कंट्रोल करके ले रहे हैं ना वो हर्बल पेस्ट कंट्रोल है, इट्स नॉट अ केमिकल वन। और पहले भी हमने करके लिया है, कोई इश्यूज नहीं होते इससे। पेस्ट कंट्रोल खत्म हो जाएगा, स्वप्निल आएगा हमको लेने के लिए और हम जाएंगे हमारे घर। सो ये है नज़ारा पेस्ट कंट्रोल के बाद। सारी चीज़ों को मैंने बीच में निकाल के रख दिया था, कुछ चीज़ों को ऊपर रखा था और कुछ चीज़ों को बाहर ले जाके मैंने रखा था, क्योंकि किचन जो है ना वो सबसे ज़्यादा एम्प्टी करना पड़ता है। और फिर कल मुझे ना सारी चीज़ों को क्लीन करके फिर से लगाना पड़ेगा। इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे करती हूँ एंड। टिल देन बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर आई लव यू।